नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी युवराज सिंह के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए एक खुशखबरी है। भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक रहे युवराज सिंह का बड़ा नाम है। भारत के सिक्सर किंग के नाम से मशहूर रहे युवराज सिंह आईपीएल में तो नहीं खेल रहे हैं, लेकिन अब वो कनाडा ग्लोबल टी20 लीग के बाद एक और विदेशी लीग में खेलने की तैयारी में दिख रहे हैं। युवराज सिंह ने पिछले साल इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा था। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास के बाद युवराज सिंह ने कनाडा में खेली गई ग्लोबल कनाडा टी20 लीग में हिस्सा लिया था। इसके बाद अब वो लोकप्रिय टी20 लीग बिग बैश में खेल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाली बिग बैश लीग में विश्व क्रिकेट के एक से बढ़कर एक दिग्गज खेलते हैं। इस लीग में तमाम बड़े खिलाड़ी तो खेलते हैं, लेकिन अब तक कोई भारतीय खिलाड़ी खेलते नहीं देखा गया है। वैसे महिला बिग बैश लीग की बात करें तो उसमें भारत की कुछ क्रिकेटर खेलती हैं। जेमिना रॉड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना खेलती हैं, तो वहीं पुरुष क्रिकेटर में कोई नहीं खेला है। अब तक तो बीसीसीआई के द्वारा किसी भी पुरुष क्रिकेटर को बाहरी लीग खेलने की अनुमति नहीं दी जाती है। बीसीसीआई से एनओसी हासिल नहीं होने से भारत के क्रिकेटर्स विदेशी लीग नहीं खेलते हैं, लेकिन इस बार युवराज सिंह के खेलने के साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं। युवराज सिंह के मैनेजर जेसन वॉन ने इस बात का संकेत दिया है। उनका मानना है कि युवराज सिंह की बिग बैश लीग में खेलने को लेकर बात चल रही है, तो वहीं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को भी इस मामले में रुचि है। अगर सब कुछ सही रहता है तो यूवी बिग बैश लीग खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय खिलाड़ी हो जाएंगे। बीसीसीआई का बाकी देश की लीग खेलने को लेकर नियम ये है कि वो जब तक किसी खिलाड़ी के इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल से रिटायर ना हो जाए तब तक एनओसी नहीं देता है। लेकिन अब तो युवराज सिंह ने इंटरनेशनल क्रिकेट भी छोड़ दिया है और वो आईपीएल में भी नहीं खेल रहे हैं, तो ऐसे में युवराज सिंह ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग खेलते दिखेंगे। तो दोस्तों, क्या युवराज सिंह को बिग बैश लीग खेलना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।